दोस्तों, मैं समीरन आज आप लोगों के लिए लिखा हुआ खूबसूरत सा 3BHK। तो दोस्तों 3BHK की जब मैं बात करता हूं तो हमेशा मैं कोशिश ये करता हूं कि आपको प्रॉपर एक घर का मैं ओवरव्यू दे सकूं, कि ओवरव्यू में मैं आपको ये बता सकूं कि एग्जैक्टली आपका घर जो है वो पूरे के पूरे घर पे आपको किस तरह से क्या डिजाइन और किस तरह से क्या पैटर्न हमने निकाला है और उसका क्या इंपैक्ट होता है पूरे घर के अंदर। तो वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं आज इस 3BHK के अंदर। 105 गज का ये 3BHK, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 105 गज का 3BHK, जिसमें कमरों का साइज कुछ इस तरह से निकाला गया है। किचन आपको इतनी ओपन वाइड किचन मिल जाती है, प्लस आपको हॉल में काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है जो कि आपका हॉल प्लस डाइनिंग बन सकता है। तो दोस्तों देर मत कीजिएगा, पहले सबसे पहली चीज मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि इस फ्लैट की आप बुकिंग करा सकते हैं मात्र 1,00,000 रुपए देकर। हाँ सही सुना आप लोगों ने, 1,00,000 रुपए में आप इस फ्लैट को अपना कर सकते हैं। तो देर मत कीजिएगा, स्क्रीन पर आए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इस फ्लैट का वॉक थ्रू, ओवरव्यू में दिखाए गए के हिसाब से। अब मैं आपके साथ एक एक करके मैं आपको हर एक रूम का डिस्क्रिप्शन दूंगा और हॉल का पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो अभी खड़े हम लोग हॉल एरिया में, लुक एट द फॉल सीलिंग, कितना खूबसूरत फॉल सीलिंग किया हमने, वॉल टू वॉल पूरा एंड टू एंड हमने फॉल सीलिंग किया हुआ है। एंड इस फॉल सीलिंग को आप जब देखते तो कितना अमेजिंग लगता है ये फॉल सीलिंग, जिसमें हमने आपको तीनों प्रोविजन दे दिया है। दोनों साइड्स पे कॉर्नर्स पे आपको फैन मिल जाता है, सेंटर में शैंडलियर आ जाता है, जहां वॉल सीलिंग वॉल एंड होती है वहां आपको स्प्लिट एसी का फिटिंग मिल जाता है। ऑलरेडी बात करूंगा यहां पर हॉल के अंदर आपको एक LCD LED TV पैनल दे दिया है हम लोगों ने। LCD LED TV पैनल के साथ ही आप यहां पर अपना सोफे का प्लेसमेंट कर सकते हैं, प्लस ये जो कॉर्नर साइड हम लोग छोड़ते हैं हमेशा, तो आपने कई सारी वीडियोस में हमने देखा होगा कि डाइनिंग स्पेस ऑलरेडी क्रिएटेड रहता है जो फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट्स होते हैं हमारे। पहले भी जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं दे नो कि ये जो कॉर्नर हम लोग 3BHK में अक्सर जो ओपन वाइड कॉर्नर छूटता है, दैट इज फॉर योर डाइनिंग स्पेस। तो यहाँ आराम से आप 6 लोगों की सिटिंग के साथ एक खूबसूरत सा डाइनिंग स्पेस आप यहाँ पर अपना क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, अपने साइज के अकॉर्डिंगली। बात करूंगा इसके मैप की, तो अभी खड़े हैं हॉल में। दो रूम्स आपके आ जाते हैं फ्रंट में अलोंग विद अ कॉमन वॉशरूम एरिया, यहां आपका ओपन किचन आ जाता है और डोर से एंटर होते ही एक रूम आपका यहां आ जाता है। तो बात करते हैं अपने किचन एरिया की। तो किचन में देखिए सबसे पहली चीज, आपको ओपन स्पेस किचन में एक बेनिफिट होता है कि आपको फ्रिज का स्पेस मिल जाता है, जो कि 3BHK की खासियत होती है। जब 105 गज के 3BHK की बात करते हैं तो वहां पर फ्रिज का स्पेस होना तो लाजमी है। ऑल दो यहां पर आपको अपना डबल डोर, सिंगल डोर, साइड बाई साइड जैसा भी आपका रेफ्रिजरेटर है वो आप यहां पर आराम से प्लेस करा सकते हैं। बाकी एक बार मैं किचन से बाहर आता हूं और नाउ लुक एट योर किचन, कुछ इस तरह से आपका मॉड्यूलर किचन आपका यहां पर डिजाइंड है। मॉड्यूलर किचन का सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या होता है कि इनके जो कैबिनेट्स होते हैं ना, आपको इन्हें पुश करना है और ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। यहां आपको एक डिशवॉशर यूटेंसिल्स ड्रेन आउट सिस्टम मिल जाता है जो डायरेक्टली सिंक में गिरता है आपका। तो यहां पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा आपका कोई भी वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर नहीं जाने वाले, यहां पर आपको पार्टीशन ऑलरेडी करके मिलेगा। यहां कुछ कैबिनेट्स हमने ओपन करके रखे हुए हैं, कैबिनेट्स आपको एज इट इज यहां पर शेल्फ ऑलरेडी बनवा दिया है हम लोगों ने, तो शेल्फ भी बना हुआ है यहां पर आपका। ये आपका किचन क्लोज हो जाता है यहां पर। नाउ आपको दोनों साइड पर एक्सेस मिल जाता है कैबिनेट्स का। यहाँ आपको अपनी किचन चिमनी प्री इंस्टॉल्ड मिलेगी जब आप यहाँ पर शिफ्ट होने वाले होंगे, उससे एक वीक पहले हम यहाँ पर किचन चिमनी इंस्टॉल करा देंगे। प्लस कर देता हूँ अब मैं यहाँ पर कि ग्लोबल होम की तरफ से आपको यहाँ पर इस फ्लैट की बुकिंग पर कुछ एक्साइटिंग गिफ्ट्स हमारी तरफ से, सरप्राइज गिफ्ट्स हैं जो आपको मिलने वाले हैं, चल रहे हैं अपने फर्स्ट बेडरूम के अंदर। अच्छा, आपके लिए एक स्पेशल ऑफर मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि ये जो आप फ्लैट की बुकिंग करेंगे, इस फ्लैट में आपको दो वॉल्स पर आपको, ऑल्दो हर वॉल पे मिलता है, बट दो वॉल्स पर हम आपको 3D वॉलपेपर्स लगाने का ऑप्शन दे रहे हैं जो आप अपनी चॉइस से लगाएंगे। फॉल सीलिंग आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, कुछ इस तरह की खूबसूरत सी फॉल सीलिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। प्लस अब चलते हैं अपने बाकी के दोनों रूम्स में, लेकिन उससे पहले बीच में आता है कॉमन वॉशरूम एरिया। तो अभी तक हमने किचन देख लिया है, हॉल देख लिया है, तो हॉल में वॉलपेपर जो लगेगा आपकी पसंद का लगेगा। किचन आपने देख लिया है, ये आपका कॉमन वॉशरूम एरिया आ जाता है जहां पर वॉल टू वॉल टाइलिंग कर दी है, सेंटर में हमने पेंसिल हाइलाइटर्स दे दिया है आपको पूरे पूरे वॉल्स पर। प्लस ऊपर आपको यहाँ पर शावर का सेक्शन मिल जाता है, फॉल सीलिंग मिल जाती है, लाइट्स आपको प्रॉपर यहाँ पर मिल जाती है, सैनिटरी फिटिंग्स भी 1 वीक पहले आपको इंस्टॉल मिलती है। चलेंगे अपने सेकंड बेडरूम की तरफ, सेकंड बेडरूम में एंटर करते हैं दोस्तों। सेकंड बेडरूम में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक वार्डरोब मिल जाती है, स्लाइडिंग डोर वाली वार्डरोब आपको यहाँ पर मिल जाती है, खूबसूरत सा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये एक सैंपल वॉलपेपर है जो हमने यहाँ पे लगा रखा है। इसी तरह के वॉलपेपर्स आपको कैटलॉग में से चूज करने को मिलते हैं, जो हमने पिछली कुछ वीडियोस में आपको दिखा रखा है कि आपको किस तरह का कैटलॉग मिलता है। यहाँ आपको एक LCD LED TV पैनल मिल जाता है। तो अभी तक आपको एक स्प्लिट AC, दो स्प्लिट AC की फिटिंग्स, मॉड्यूलर किचन, प्लस आपको
हॉल में एक एलसीडी एलईडी टीवी पैनल प्लस यहां बेडरूम में एक एलसीडी एलईडी टीवी पैनल मिल जाता है। अब चलेंगे यहां से अपने बालकनी की तरफ, बालकनी की तरफ चलते हैं। बालकनी में आपको यहां पर देखने को मिलेगा, देखिए ये आपकी पूरी बालकनी आ जाती है, ग्रीनरी आपके घर के सामने है, बिल्कुल आपके घर के सामने को पेड़ मिल जाता है काफी खूबसूरत सा। यहां आपको एक स्पेस मिल जाता है जहां पर आप अपना यूटिलिटी एरिया बना सकते हैं, यहां पर आपको स्विच सॉकेट मिल जाता है प्लस यहां पर आपको टैप का प्रोविजन मिल जाता है। नाउ बात करते करते ही हम अपने थर्ड बेडरूम में आ चुके हैं। तो दोस्तों दोनों बेडरूम से आपको प्रॉपर बालकनी का एक्सेस मिल जाता है प्लस ये है आपका मास्टर बेडरूम, क्योंकि यहां पर एक चीज आपका वार्डरोब आ जाता है, एक वॉल टू वॉल वार्डरोब आपको यहां पे मिल जाता है, बालकनी का एक्सेस मिल जाता है आपको यहां से। यहां पर भी आपको यानी कि आपके तीन एलसीडी एलईडी टीवी पैनल हो जाते हैं, यानी कि मास्टर बेडरूम में भी एक एलसीडी एलईडी टीवी पैनल आपको मिल जाता है जहां पर आप अपनी बुक्स वगैरह रख सकते हैं या फिर कोई डेकोरेटिव आइटम्स रख सकते हैं। प्लस यहां पर आपको एक अटैच टॉयलेट कम बाथ एरिया मिल जाता है। दोस्तों रेडी टू मूव इन फ्लैट है, बुकिंग्स ओपन है, आप इसको बुकिंग्स में भी ले सकते हैं। एक आपको इस बिल्डिंग में प्लस पॉइंट ये मिलता है कि आपको लिफ्ट मिल जाती है प्लस कार पार्किंग की फैसिलिटी मिल जाती है। एंड इस ये बजट फ्रेंडली होम है, इसका प्राइस जो है काफी काफी अमेजिंग प्राइस है, लेकिन बुकिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 रुपए में आप बुकिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों देर मत कीजिए, फटाफट से जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली विजिट कंफर्म कीजिए और फटाफट से चले आइए यहाँ पे इस फ्लैट को देखने के लिए। लोकेशन बता देता हूं मैं, ये उत्तम नगर वेस्ट की लोकेशन है जिस जो कि मेट्रो से यानी कि उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो से अगर मैं बात करूं तो तकरीबन कुछ 500 से 800 मीटर का इसका डिस्टेंस पड़ता है। आपको हर एक चीज की फैसिलिटी मिल जाती है, इवन आप जब अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं मात्र 5 कदम, आपको सिर्फ 5 कदम चलना है दोस्तों, ट्रस्ट मी सिर्फ 5 कदम पे आपको आपकी मार्केट स्टार्ट हो जाती है। सिर्फ बिल्डिंग से बाहर निकल के लेफ्ट मुड़ते ही मार्केट स्टार्ट है, तो बिल्कुल ऑन रोड प्रॉपर्टी है, मार्केट के अंदर मार्केट प्लेस की प्रॉपर्टी है। उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो भी यहाँ से बहुत नियर बाई है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है ईस्ट मेट्रो का, तो जो भी ईस्ट या वेस्ट जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप मेट्रो चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों देर मत कीजिएगा फटाफट से अब आप क्या कर सकते हैं, एक और चीज आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं, उसके लिंक्स भी हमने नीचे दे रखे हैं। तो दोस्तों देर मत कीजिए और चले आइए ग्लोबल होम वेंडर्स, क्योंकि यही है आपके सपनों के घर का वन स्टॉप सॉल्यूशन।